22 जनवरी को भव्य अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी और अपनी अपनी श्रद्धा से तमाम जो लोग हैं वो अयोध्या पहुंच रहे हैं। ऐसे ही दिल्ली से दो ऐसे युवा हैं जो फिलहाल पैदल यात्रा करके अयोध्या जा रहे हैं। हालांकि दिल्ली से इनकी यात्रा शुरू हो रही है और ये अयोध्या पैदल जाएंगे। हालांकि इससे पहले भी कई यात्रा ये कर चुके हैं लेकिन उसमें लिफ्ट लेकर ये जाते थे, लेकिन इस बार इनका संकल्प ये है कि ये पैदल ही यात्रा करेंगे और ये यात्रा 22 जनवरी से पहले पूरी करने का इनका लक्ष्य है। इनका क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रांशु है। इनका नाम प्रांशु है, आपका? सोनू है। सोनू, तो प्रांशु और सोनू का ये संकल्प है। आप देख भी सकते हैं कि श्री राम का झंडा पीछे और भारत माता का झंडा पीछे है। इन्हीं से पूछते हैं कि क्या संकल्प है, क्या आप लोगों का संकल्प है और क्या सोचकर आप भगवान श्री राम से मिलने जा रहे हैं? मैं चाहता हूँ लोगों को सनातन धर्म के बारे में पता होना चाहिए, हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। जो नहीं भी पता तो वो लोग अपने घर में पूछेंगे इससे। और भी सबसे बड़ी चीज़ ये कि मेरे आराध्य प्रभु श्री राम जी और हम सभी के आराध्य प्रभु श्री राम जी हैं। तो मतलब मैं चाहता हूँ लोग बसों से करते हैं, ट्रेन से करते हैं, कहीं से भी जाते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ, मेरी आस्था है कि मैं पैदल ही जाऊँ और मतलब सनातन धर्म का प्रचार हो, इससे बड़ी बात क्या होगी। करेगा साथ में साथ, और पैदल जाने का ही हमारा आस्था था इस बार। हाँ। कि पैदल किसी भी तरीके से हमें 22 तक पहुंचना है वहाँ पैदल। हाँ। इस बार आप लोग लिफ्ट नहीं लेंगे? नहीं, इससे पहले आप लोग बता रहे थे कि हाँ बाय लिफ्ट ही करते हैं, हमारी यूपी पे भी है, सबको बाय लिफ्ट ही है। अच्छा, बाय लिफ्ट है, लेकिन इस बार ये संकल्प है पैदल, और जितने लोग रास्ते में मिलेंगे उन तमाम लोगों का कारवां भी बनाते चलेंगे जो लोग आपके साथ चलना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और क्या क्या फिर प्लानिंग है आप लोग? प्लानिंग हमारी यही है कि हमारे पास खुद का टेंट होता है, स्लीपिंग बैग होते हैं, कपड़े हैं बस, और जो भी रास्ते में हेल्प मिल जाती है, लोगों का प्यार होता है, जो सपोर्ट होता है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। बाकी प्रभु श्री राम जी अपने भक्त को मुझे लगता है कभी नाराज नहीं करते हैं। पहुंचना है भगवान, जब भगवान श्रीलंका पहुंच गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अपना बैग एक बार पीछे दिखाएंगे कि क्या है बैग पे बाहर लिखा है। आप देख भी सकते हैं कि इनके बैग के पीछे इन्होंने स्लोगन्स लगाया है कि दिल्ली टू अयोध्या 700 किलोमीटर है, और ये पैदल यात्रा है इन लोगों का, जिनका साफ तौर से कहना है कि भगवान श्री राम की आस्था को लेकर इस बार ये लोग यहाँ से निकलेंगे। और ये दोनों जो लोग हैं, आप देखिए, पूरी तैयारी है सनातन सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए। एक प्रचार का माध्यम भी ये है कि जो लोग रास्ते में जुड़ते जाएं, उनको सनातन के बारे में जानकारी देते जाएं। लेकिन ये कहीं ना कहीं युवा एक संदेश समाज में जरूर देना चाहते हैं कि अगर भगवान राम से आपकी आस्था है, भगवान राम से आप मिलना चाहते हैं, तो ना आपको गाड़ी की ज़रूरत है, ना प्लेन की ज़रूरत है, आप पैदल ही अगर उनकी शरण में जाना चाहें तो आप जाएंगे। और अगर आपका लक्ष्य मजबूत है तो भगवान श्री राम आपसे ज़रूर मिलेंगे। हमारी भी फिलहाल शुभकामनाएं इनके साथ हैं कि इनकी यात्रा अच्छी हो। आप देख भी सकते हैं कि मौसम कितना ज़्यादा ठंड है, लेकिन बावजूद इसके इनका लक्ष्य बहुत ज़्यादा मजबूत है कि इस ठंड में भी ये पैदल चलेंगे। तैयारियां पूरी हैं, भगवान श्री राम को दर्शन कहीं ना कहीं इन लोगों को देना भी होगा, क्योंकि इनका लक्ष्य कहीं ना कहीं मजबूत है और इस लक्ष्य में बहुत सारे लोग जुड़ेंगे भी, और वो भी भगवान श्री राम का 22 जनवरी को संभवतः दर्शन भी करेंगे। सुशील पांडे, न्यूज़ 18, दिल्ली।